Hello students, once again welcome back to the channel. So we are back again with the new video, and in this video we are going to do the revision of the chapter Interface Python with MySQL. साथ में इसके वन शॉट के साथ साथ इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखेंगे. और अगर आपने MySQL वीडियो इससे पहले नहीं देखी है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप इसका चेकआउट कर सकते हैं. तो चलते हैं वन शॉट ऑफ इंटरफेस पाइथन विद MySQL, जिसमें हम पढ़ेंगे हाउ टू कनेक्ट पाइथन एप्लीकेशन विद द डेटाबेस सॉफ्टवेयर MySQL. तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब भी हम कोई रियल लाइफ एप्लीकेशन को डिज़ाइन करते हैं तो हमारे सामने कई बार ऐसे सिचुएशन आती हैं जब हमें डेटाबेस के अंदर का जो डेटा है वो मैनिपुलेट करना पड़ता है, यानी कि उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं. लेकिन डायरेक्टली ना करके हम वो चेंजेस किसके थ्रू करते हैं, किसी एप्लीकेशन के थ्रू करते हैं. और यही काम हम पाइथन और डेटाबेस सॉफ्टवेयर की कनेक्टिविटी में करते हैं कि चेंजेस हम डेटाबेस सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं लेकिन किसके थ्रू करेंगे, पाइथन के थ्रू करेंगे. ठीक है, तो ये सारा काम हम कब करेंगे, जब हम दोनों को कनेक्ट कर पाएंगे. ठीक है, सो दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट. नाउ द सेकंड पॉइंट सेज इन ऑर्डर टू कनेक्ट टू अ डेटाबेस फ्रॉम विद इन पाइथन, जब भी हमें डेटाबेस में कनेक्शन पाइथन के थ्रू करना पड़ता है तो उसके लिए हमें एक लाइब्रेरी चाहिए जिसका नाम है MySQL.connector. हम जो इसमें लाइब्रेरी यूज करने वाले हैं दैट इज MySQL.connector लाइब्रेरी. ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं स्टेप्स की. जब भी हम कनेक्टिविटी करना स्टार्ट करते हैं तो इसमें कुछ स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होती है. इन टोटल हमारे पास यहाँ पे टोटल 7 स्टेप्स हैं. सबसे पहला काम है हमें पाइथन को स्टार्ट करना है, और दूसरा काम है पैकेजेस को इंपोर्ट करना है जो कि हमें डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए चाहिए. तो वन बाय वन हम इन सारे स्टेप्स को पढ़ेंगे. तो सबसे पहला हो गया स्टार्ट पाइथन. पाइथन एप्लीकेशन आपने स्टार्ट करनी है, उसके बाद आपने पैकेज या लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कराना है. तो कौन सा आपने इम्पोर्ट कराया, MySQL.connector. इम्पोर्ट MySQL.connector एंड इम्पोर्ट इज अ कीवर्ड. या फिर आप लिख सकते हो इम्पोर्ट MySQL.connector as के बाद आप कुछ भी नेम दे सकते हो. यहाँ पे हमने दिया SQLTOR, ये इसका ऑल्टरनेटिव नेम हो गया, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में हमें दोबारा से इस पैकेज का नाम यूज करना है. तो इतना बड़ा लिखने से बेटर है हम कुछ एक शॉर्ट नाम इसको दे दें. तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप पाइथन ओपन करेंगे और आप फर्स्ट स्टेप इसमें करेंगे दैट इज इम्पोर्ट MySQL.connector. ठीक है, ये करने के बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे. हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज कमांड टू इम्पोर्ट द पैकेज. जो कमांड है पैकेज को इम्पोर्ट करने की, वो उसके लिए हमें लिखना है pip install MySQL.connector. आपको किस तरह से करना है इसकी एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है, जो पार्ट्स ऑफ वीडियो है, पार्ट्स वाली वीडियो है, आप उसमें जाके चेकआउट कर सकते हो. क्योंकि ये पहले आपको अपने सिस्टम में डाउनलोड करके रखनी होती है. ठीक है, और उसके लिए आपको ये कमांड लिखनी होती है pip install MySQL.connector. देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है ओपन अ कनेक्शन टू द MySQL डेटाबेस. ये जो हमारा स्टेप था ना इम्पोर्ट MySQL, इसके बाद हमारा ये स्टेप आएगा कि हमें कनेक्शन क्रिएट करवाना है किसके बीच में, पाइथन के बीच में और MySQL डेटाबेस के बीच में. और ये कनेक्शन कराने के लिए हम किस फंक्शन का यूज करेंगे, कनेक्ट फंक्शन का. नाउ दिस कनेक्ट फंक्शन टेक्स द फोर पैरामीटर्स. वन इज द होस्ट विच इज द वैल्यू एज लोकल होस्ट. वन इज द यूजर जिसकी वैल्यू रूट है. देन पासवर्ड, आपके MySQL का पासवर्ड. जब भी आप MySQL स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपसे पासवर्ड पूछता है. तो मेरे सिस्टम में मैंने पासवर्ड सेट किया हुआ है 1 2 3 4 5. तो आपका जो भी पासवर्ड है आप इसमें लिखेंगे. एंड डेटाबेस आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर भी सकते हैं या उसको छोड़ भी सकते हैं. अगर आप नहीं करते हैं तो आप क्वेरी उसकी क्रिएट कर लीजिए, डेटाबेस आप वहाँ जाके बना भी सकते हो. और जो भी आप इसमें वैल्यू देंगे चार पैरामीटर्स की, ये आपके कोट्स में होनी चाहिए. कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है चार पैरामीटर्स में से कौन सा ऐसा पैरामीटर होता है जो कि ऑप्शनल है, दैट इज द नेम ऑफ द डेटाबेस. और अगर आप डेटाबेस का नेम ले रहे हो तो आप डायरेक्टली टेबल क्रिएट करने के क्वेरी से स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, तो हमने क्या लिखा, कॉन इक्वल्स टू MySQL.connector, दैट इज द नेम ऑफ माई लाइब्रेरी और द पैकेज. देन कनेक्ट फंक्शन, और उसके अंदर हमारे पास कितने पैरामीटर्स आ गए, फोर पैरामीटर्स. और उनकी वैल्यूज जो है दे आर इनक्लोज इन द सिंगल कोट्स. ठीक है, तो कनेक्ट इज द फंक्शन, MySQL.connector लाइब्रेरी है, और कॉन जो है हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट है. इसको हम क्या कहेंगे, कनेक्शन ऑब्जेक्ट. अगर आपको होस्ट और यूजर नेम चेक करना है तो आप सिंपली MySQL में लिखेंगे सेलेक्ट करंट अंडरस्कोर यूजर. फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई MySQL, इफ आई राइट हियर सेलेक्ट करंट अंडरस्कोर यूजर, इस केस में मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी दैट इज रूट एट द रेट लोकल होस्ट. यूजर इज रूट एंड होस्ट इज द लोकल होस्ट. ठीक है, देन नेक्स्ट इज हमें चेक करना है कि कनेक्शन हमारा सक्सेसफुल है या नहीं है. फॉर दैट पर्पज हमने एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो बनाया कॉन के नाम से, या आप कोई भी नाम ले सकते हो, उसके साथ हम फंक्शन का यूज करेंगे is_connected. ये फंक्शन सेम रहेगा, ये नेम चेंज हो सकता है.
इफ कॉन डॉट इज कनेक्टेड, यानी कि अगर कनेक्शन प्रॉपर हो गया है और इसकी वैल्यू ट्रू आ रही है, तो हम क्या प्रिंट कराएंगे, सक्सेसफुली कनेक्टेड टू द डेटाबेस, ठीक है। और उसके बाद हमने कनेक्शन ऑब्जेक्ट बना दिया, कनेक्ट फंक्शन दे दिया, अब हमें कर्सर इंस्टांस क्रिएट करना है। कर्सर इंस्टांस का क्या मतलब होता है, जैसे आप किसी भी सॉफ्टवेयर में जैसे वर्ड वगैरह में काम करते हैं, तो वहाँ पे कर्सर इस तरह से आता है, ठीक है। जहाँ पे भी आपको लिखना होता है, आप उसे किसी भी प्लेस पे मूव कर सकते हो, पूरे पेज पे, अप डाउन राइट एंड लेफ्ट। जब भी हम डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं फ्रॉम विद इन अ प्रोग्राम, जो कि हमारे केस में पाइथन है, देन सर्वर के पास एक क्वेरी सेंड की जाती है, वो एग्जीक्यूट होती है और रिजल्ट जो है हमारे पास एक साथ आ जाता है वन गो में, सारा का सारे जो डेटा है वो एक साथ हम फेच कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर हमें उस डेटा को रो बाय रो फेच करना हो कि एक टाइम पे हमारे पास एक ही रो आए, तो उसके लिए डेटाबेस का कर्सर बना दिया जाता है जिसके पास सारे रिकॉर्ड्स का एक्सेस होता है, और जैसे जैसे आप उसमें कमांड देते जाते हैं वो वन बाय वन आपको उसका आउटपुट देता जाता है। तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, माई कर इज इक्वल टू कॉन डॉट कर्सर। कर्सर इंस्टांस बनाने का मतलब है कि जो हमारा डेटा वन गो में आ रहा है उसे हम रो बाय रो एक्सट्रैक्ट करा रहे हैं। इसके लिए आपको कनेक्शन ऑब्जेक्ट के साथ कर्सर फंक्शन का यूज करना है और इसे स्टोर कराना है कर्सर ऑब्जेक्ट में, जिसको आप कोई भी नाम दे सकते हो, कर ले सकते हो, माई कर, दैट इज योर चॉइस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो जो स्टेप किए, एक बार हम उसे यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पैकेज को इम्पोर्ट किया, इसके बाद यहाँ पे हमने कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाया, तो हमने यहाँ लिखा कॉन इज इक्वल टू माई एस क्यू एल डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा यूजर इक्वल्स टू रूट, देन होस्ट इक्वल्स टू लोकल होस्ट, देन पासवर्ड इक्वल्स टू जो भी आपके पासवर्ड है माई एस क्यू एल का, हमने 1 2 3 4 5 दे दिया। और अभी हम डेटाबेस सपोज नहीं दे रहे इसके अंदर, ठीक है। तो हमने ये तीन आर्ग्यूमेंट्स या तीन पैरामीटर्स हमने यहाँ पे पास कर दिए, कनेक्शन ऑब्जेक्ट बन गया। अब हमें यहाँ पे बनाना है कर्सर इंस्टांस, तो सपोज मैंने यहाँ पे कर्सर इंस्टांस का नाम ले लिया कर इक्वल्स टू कॉन डॉट कर्सर, हेयर कर्सर इज द नेम ऑफ द फंक्शन। ये जो नाम है कॉन और ये जो नाम है कर, ये आप चेंज कर सकते हो, लेकिन कनेक्ट फंक्शन और कर्सर फंक्शन जो है वो हमेशा यहाँ पे प्रेजेंट रहना चाहिए, ठीक है। फिर आपने क्या किया, अब आपको क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना है, तो आपको जो भी काम करना है वो आप क्वेरी के थ्रू करेंगे। उसके लिए आपको क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना है, उसके लिए हमारे पास जो फंक्शन होता है दैट इज द एग्जीक्यूट फंक्शन। इसके लिए हमारे पास जो फंक्शन है स्टूडेंट, दैट इज द एग्जीक्यूट फंक्शन, और यहाँ पे हम अपनी क्वेरी लिख देंगे, जो भी हमारी कमांड है, क्रिएट कमांड है, इंसर्ट कमांड है, लाइक दैट। और कर्सर इंस्टांस का नाम हमने इस केस में क्या लिया है, कर लिया है, तो वो आपने यूज करना है। तो सपोज मुझे डेटाबेस को क्रिएट करना है, तो क्या क्वेरी देंगे, माई कर डॉट एग्जीक्यूट। यहाँ पे हमने माई कर लिया हुआ था, तो माई कर लिया डॉट एग्जीक्यूट फंक्शन का नाम है, और ये जो कमांड है क्रिएट डेटाबेस एस वन, ये क्वेरी हमने लिखी है ताकि हमारा डेटा बेस जो है वो क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इस क्वेरी को हम यहाँ लिखते हैं। सपोज मेरे पास यहाँ पे ये यह है एंड ये आ रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे चेक करना है डेटा बेसिस कौन कौन से, तो मैंने कहा शो डेटा बेसिस, इतने सारे डेटा बेस हैं, A1, A2, B1, S1, S2, ठीक है। सपोज मुझे B2 नाम का डेटा बेस क्रिएट करना है, अब यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम पाइथन के थ्रू इसे करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लिखोगे कर डॉट एग्जीक्यूट, ठीक है, कर डॉट एग्जीक्यूट, कर्सर इंस्टांस का नाम क्या है, कर, और इसके बाद आपने अपनी क्वेरी ब्रैकेट में शो कर देनी है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, क्रिएट डेटा बेस, सपोज मैंने लिख दिया B2, ठीक है, ये आपने लिख दिया, बस दिस इज डन। अब जैसे ही यहाँ पे आप एक प्रिंट स्टेटमेंट देख सकते हो इस तरह से, लाइक आपने लिख दिया डेटा बेस क्रिएटेड, ठीक है। अब आपने इसको रन किया, रन करने के बाद यहाँ पे क्या आया, डेटा बेस क्रिएटेड। तो डेटा बेस क्रिएटेड जब आया, तो इसको आप यहाँ पे जाके चेक करो, आप अपने इसमें जाओ, दैट इज इन द माई एस क्यू एल, और यहाँ पे आप क्या करो, शो डेटा बेसिस। तो यहाँ पे आप क्या चेक करेंगे, बी टू नाम का जो डेटा बेस है वो बन चुका है, जो पहले ऊपर नहीं था, ठीक है। तो बी टू नाम का डेटा बेस हैज बिन क्रिएटेड, ठीक है। तो आपने ये देखा कि इस तरह से हो गया। एक इसके अंदर था कि अगर आपका कनेक्शन जो है वो सक्सेसफुल है या नहीं है, तो वो हमारा स्टेप कहाँ पे आया था, इस तरह से हम इस पे जाते हैं, और यहाँ पे जब आपने कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसके बाद आप ये चीज़ चेक कर सकते हो, दैट इज़ यहाँ पे ये आपने दिया। अब आप यहाँ पे लिखेंगे इफ़ कॉन डॉट इज कनेक्टेड
ठीक है, दिस इज़ माई फंक्शन, और यहाँ पे आप लिख दो प्रिंट, और यहाँ पे आप लिख दो सक्सेसफुल, या जो भी आप यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने इस तरह से दिया, अब इसको दोबारा रन करेंगे, B2 नाम का डेटा बेस ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसलिए यहाँ पे आपको एरर दिखा रहा है, सक्सेसफुल भी दिखा रहा है, डिस कनेक्शन हो चुका है। ठीक है, और जब ये काम हो रहा है तो इसका मतलब सही है कि कनेक्शन हो चुका है, तभी नीचे के जो फंक्शन है वो काम कर पा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब डेटा बेस क्रिएट हो गया, अब डेटा बेस क्रिएट हो गया तो यहाँ पे आप अपने डेटा बेस का नाम दे दो। हमने यहाँ पे दे दिया डेटा बेस इक्वल्स टू B2। ठीक है, ये हमने नाम दे दिया, डेटा बेस हमने क्या दे दिया B2। अब हम यहाँ से ये वाली जो क्वेरी है वो हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि अब हमने डेटा बेस क्रिएट कर लिया, तो अब हम क्या करेंगे, टेबल को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आगे का देखते हैं, आगे का क्या वर्क है हमारा, एग्जीक्यूट कर दी हमने क्वेरी, अब हमारे पास है क्रिएट टेबल और इंसर्ट द रिकॉर्ड्स, ये दो चीज़ें हम पढ़ेंगे। आप टेबल को क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना है, टेबल को क्रिएट करने के लिए यू हैव टू राइट कर्सर इंस्टांस डॉट एग्जीक्यूट, कर्सर इंस्टांस आपने लिखा डॉट एग्जीक्यूट, और जो क्रिएट टेबल की कमांड जैसे आप SQL में लिखते हो ना, आपने वैसे ही इसमें लिख देना है। ठीक है, और दूसरा होता है इंसर्टिंग द रोज, तो सबसे पहले हम इसके अंदर टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिएट टेबल, सपोज मैंने दे दी EMP, ठीक है, एम्प्लॉय टेबल लेनी है, इसे मैंने दे दिया EID int कॉमा ENAME, और सपोज मैंने इसमें दे दिया कैर, और यहाँ पे साइज भी हैव गिवन एज 10। तो ये हमने दे दिया इस तरह से, ये इसका ब्रैकेट क्लोज हो गया लाइक दिस। तो अब यहाँ डेटाबेस की जगह पे हम क्या लिख देंगे, टेबल क्रिएट, क्रिएट टेबल EMP EID int ENAME कैर, इसका ब्रैकेट क्लोज, और फिर आपका लास्ट वाला ब्रैकेट क्लोज। अब आप इसको रन करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट इज़ कमिंग टेबल क्रिएटेड। ठीक है, और साथ में अब आप यहाँ पे MySQL पे जाके चेक करो टेबल आपको शो हो रही है या नहीं हो। तो सबसे पहले हमने डेटाबेस कौन सा लिया हुआ है, B2 लिया हुआ है, तो हम यहाँ कहेंगे यूज़ B2। ठीक है, क्योंकि हम उसे यूज़ करना चाह रहे हैं। अब देखो इसमें कौन कौन सी टेबल्स हैं, तो टेबल्स की लिस्ट चेक करने के लिए हमारे पास स्टूडेंट्स कौन सी कमांड होती है, शो टेबल्स। ठीक है, अब शो टेबल्स जैसे ही आपने लिया तो यहाँ पे आपके सामने क्या आ रहा है, EMP नाम की टेबल बन चुकी है। ठीक है, तो ये चेंजेस हम क्या कर रहे हैं, पाइथन में कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पे हमें शो कर रहा है, कि हमें शो कर रहा है MySQL के अंदर। ठीक है, टेबल क्रिएट हो गई हमारी, अब इस पार्ट को हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज स्टूडेंट्स आती है टेबल में डेटा को इंसर्ट कराना, तो इसमें हम सिंगल रिकॉर्ड को भी इंसर्ट करा सकते हैं या मल्टीपल रोज को भी इंसर्ट आप करा सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली लिखना है माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, यानी कि आपके कर्सर इंस्टांस का नाम, देन इंसर्ट इन टू टेबल का नाम वैल्यूज, और वैल्यूज दे देनी है, और अगर आप मल्टीपल वैल्यूज लेना चाहते हैं तो इंसर्ट इन टू टेबल नेम वैल्यूज, पहले एक रो की वैल्यू कॉमा दूसरे रो की वैल्यू, और कर्सर इंस्टांस का नाम यहाँ पे जो भी आपने लिया ना स्टार्टिंग में वो लिखना है, साथ में एग्जीक्यूट फंक्शन लिखना है। ठीक है, अब इसको देखो कैसे करेंगे, सपोज यहाँ पे मुझे वैल्यूज को इंसर्ट कराना है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, पाइथन पे जाएंगे वापस से, एंड ये जो हमने क्रिएट टेबल कमांड लिखी थी इसे हम यहाँ से हटा देते हैं। हमने लिखा इंसर्ट इंटू EMP वैल्यूज, कौन कौन सी वैल्यूज हमने इसमें डालनी है, सपोज इसमें हमने EID लिया तो 1 डाल दिया EID, और नेम दे दिया सपोज राहुल। ठीक है, उसके बाद ये एक वैल्यू डाली, तो एक वैल्यू आपने इस तरह से डालनी है, ये डल गई। अब एक वैल्यू जो डल गई, इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है रिकॉर्ड इंसर्टेड। अब ये अच्छे से परमानेंटली सारे चेंजेस हो जाएं, इसके लिए आपको एक फंक्शन का यूज़ करना है जिसका नाम है कमिट फंक्शन। कमिट फंक्शन ये चेक करता है कि जो भी आपने इसमें इंसर्ट किया या डिलीट किया या अपडेट किया, वो चेंजेस साइड बाय साइड आपके MySQL में हो रहे हैं। ये फंक्शन यूज़ नहीं करते तो कई बार उसमें शो नहीं करता है। ठीक है, इसको हमने रन किया तो हमें क्या शो कर रहा है, रिकॉर्ड इंसर्टेड। तो अब इसको हमें MySQL में जाके चेक करना पड़ेगा, तो हम यहाँ गए, हमने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, तो इस केस में क्या हुआ, 1 राहुल, ये हमारे पास पहला रिकॉर्ड आ चुका है जो हमने पाइथन में इंसर्ट किया। अब मान लो मुझे एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स इसमें इंसर्ट करने हैं, तो आई विल चेंज द नेम हियर, 2 लिख दिया, और यहाँ पे देंगे रिया, सपोज ये नेम दे दिया। सपोज मुझे इसमें और रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं, तो सिंपली पुट अ कोमा हियर, और यहाँ पे और रिकॉर्ड्स आप ऐड कर दो, फिर मैंने यहाँ पे दे दिया सपोज नेहा। ठीक है, इस तरह से आपने दिया, ये देने के बाद आपने यहाँ पे कोट्स लगा दिए, क्लोज कर दिया। अब आप दोबारा से इसको रन करके चेक करो, अभी भी क्या कह रहा है, रिकॉर्ड इंसर्टेड कह रहा है, तो हमें इसको MySQL में जाके भी चेक करना पड़ेगा। तो सिंपली आपने स्टेटमेंट देनी है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, आपके पास राहुल जो एंट्री थी वो भी है, और रिया और नेहा की जो एंट्री थी वो भी इसमें
आ चुकी है कमिट फंक्शन की हेल्प से। नहीं लगाते तो एम्प्टी सेट शो करता या जो भी इसमें वैल्यूज पहले की हैं वो शो करता। नाउ द नेक्स्ट इज हाउ टू इंसर्ट द पैरामीटराइज्ड क्वेरीज। समटाइम्स हम वैल्यूज को रन टाइम पे प्रोवाइड कराते हैं, तो उस केस में हमें डिफरेंट डिफरेंट मैथड से डेटा को एंटर करना आना चाहिए। इसके लिए हमारे पास दो मैथड है, ओल्ड स्टाइल और न्यू स्टाइल। ओल्ड स्टाइल में हमारा इस तरह से होता है एफ मॉडुलस वी, जहाँ पे जो हमारी एफ है दैट इज अ टैबलेट स्ट्रिंग, यानी कि हमारी क्वेरी होती है और वी स्पेसिफाई करती है उसकी वैल्यू, ठीक है। और अगर आप मल्टीपल वैल्यूज़ को फॉर्मेट कर रहे हैं तो उस केस में वी जो है वो टपल होना चाहिए, यानी कि एक से ज़्यादा वैल्यू अगर आप दे रहे हो तो वो आपको टपल की फॉर्म में देनी है। सपोज यहाँ पे मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम वेयर मार्क्स ग्रेटर देन, तो यहाँ वैल्यू ना दे के क्या लिखेंगे, परसेंटेज एस लिखेंगे। और ये कोट्स हमने यहाँ पे स्टार्ट की थी, यहाँ पे एंड हो जाएंगी, उसके बाद यहाँ पे मॉडुलस का साइन आएगा और फिर आपकी वैल्यू आएगी। जैसे अगर आप सिर्फ एक वैल्यू ले रहे हैं तो टपल में एक वैल्यू कोमा के साथ आती है, तो आपको इस तरह से देनी है। मल्टीपल वैल्यूज दे रहे हैं तो ब्रैकेट में आप कोमा लगा के लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि कैसे हम इंसर्ट स्टेटमेंट को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारी जो इंसर्ट स्टेटमेंट थी वो हमने नॉर्मली यूज़ की थी, अब हम कैसे लिखेंगे, इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यूज, और यहाँ पे हमने लिख दिया परसेंटेज एस, पहला ईआईडी है और दूसरा ई नेम है, क्योंकि टेक्सचुअल वैल्यू है इसलिए परसेंटेज एस को हमें क्या करना पड़ेगा, कोट्स में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हमने अपनी क्वेरी को क्लोज किया, मॉडुलस का साइन लगाया और यहाँ पे आपने इनकी वैल्यू देनी है। 1 2 3 हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, हमने ईआईडी 4 दे दी और नेम दे दिया सपोज नेहा, तो इस तरह से आपका जो रिकॉर्ड है दैट विल बी इंसर्टेड। और ये एग्जीक्यूट फंक्शन के जो ब्रेसेस हैं, जो ब्रैकेट्स हैं, उसको हमने क्लोज कर दिया। तो अब आप यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से आपने रन करके चेक करना है इसने का रिकॉर्ड इंसर्टेड, तो आप यहाँ से MySQL पे जाओ एंड गिव द कमांड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। यू कैन सी हियर, यहाँ पे नेहा का रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। हमने 3 में भी नेहा नाम दे दिया था, 4 में भी नेहा दे दिया, हम यहाँ पे कोई और नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से पैरामीटराइज्ड क्वेरी की फॉर्म में ओल्ड स्टाइल में आप इस तरह से डेटा को इंसर्ट करा सकते हो। अब इसी तरीके से हमारे पास इसके बाद आता है एक न्यू स्टाइल। अब न्यू स्टाइल में क्या होता है, टैम्पलेट डॉट फॉर्मेट। टैम्पलेट यानी कि आपकी क्वेरी, जैसे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर मार्क्स ग्रेटर देन, यहाँ पे हम परसेंटेज एस के प्लेस पे कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे और मॉडुलस के जगह पे फॉर्मेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। डॉट, वहाँ पे डॉट नहीं यूज़ कर रहे थे, वहाँ परसेंटेज सॉरी मॉडुलस का साइन यूज़ कर रहे थे, और यहाँ डॉट यूज़ करेंगे फॉर्मेट और ब्रैकेट में जो भी आपकी वैल्यूज़ है, ठीक है। अब इसको समझते हैं कैसे हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, एक और वैल्यू इसमें इंसर्ट करके देखते हैं। सपोज मैंने यहाँ लिखा इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज, तो ये जो परसेंटेज ऐसा हमने लिखा था इसको हटा देंगे और इसके प्लेस पे हमारे कर्ली ब्रेसेस आ गए। और ये जो है हमारा ई नेम के लिए हमने लगाया था कोट्स में, तो अभी भी कोट्स में रहेंगे हमारे कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। और फिर यहाँ पे परसेंटेज मॉडुलस के साइन के प्लेस पे आपका आ जाएगा डॉट और फिर इसके बाद फॉर्मेट फंक्शन, और यहाँ से आपने वैल्यू को चेंज कर देना। सपोज मैंने 5 के बाद यहाँ पे दे दिया नीरा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको रन करके चेक करते हैं। इसने कहा रिकॉर्ड इंसर्टेड, इसके लिए आपको MySQL पे एक बार वापस से जाना है और यहाँ पे आप सिंपली सेलेक्ट स्टेटमेंट लगा के चेक करेंगे 5 नीरा, ये रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट हो चुका है। तो हमने देखा कि कैसे हम ओल्ड स्टाइल से और न्यू स्टाइल से जो हमारा डेटा है उसे इंसर्ट करा सकते हैं, दैट इज रिकॉर्ड को इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो हमें समझ में आया कि कैसे हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम डेटा को इंसर्ट करा सकते हैं। क्वेरीज हम सारी पाइथन में कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन काम किस में हो रहा है, हमारे डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो हमारा बैकएंड में काम कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, इसमें हम पढ़ेंगे अपडेट रिकॉर्ड्स, डिलीट रिकॉर्ड्स एंड डिस्प्ले रिकॉर्ड्स। तो इसमें हम अपडेट, डिलीट और सिलेक्ट कमांड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा है अपडेट टेबल। अगर आपको टेबल के डेटा में कोई भी चेंज करना है तो आप सिंपली लिखोगे अपडेट टेबल का नाम, सेट फील्ड नेम इज इक्वल टू दिस, फील्ड नेम मतलब कॉलम का नाम, ठीक है। तो आपने टेबल का नाम लिखना है, जैसे आप नॉर्मल जो भी आप क्वेरी लिखते हैं उसमें आप लिखते हैं कॉलम का नाम, कि आप यहाँ पे वैल्यू दे देते हो, उसके प्लेस पे आपने कर्ली ब्रेसेस ले लेने हैं क्योंकि हम न्यू मेथड से इसको कर रहे हैं। कंडीशन वेयर फील्ड नेम इज इक्वल टू, जो कंडीशन आपने देनी है, और डॉट फॉर्मेट, ये पहली वैल्यू और फिर आपकी दूसरी वैल्यू दिस कॉमा दिस, ठीक है। एक वैल्यू है तो एक देनी है, एक से ज़्यादा है तो कॉमा लगा के देनी है। तो अब इसको हम इसमें कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, देखो कैसे करेंगे। सपोज मेरे पास यहाँ पे MySQL में जो डेटा है, मुझे 4 का नेम चेंज करना है, नेहा से करना है प्रिया, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, इसको यहाँ से हम इरेज कर देते हैं और सिंपली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपडेट टेबल का नाम क्या है स्टूडेंट्स हमारा, EMP, सेट क्या सेट करना है हमें, ई नेम,
क्या सेट करना है, प्रिया सेट करना है, लेकिन यहाँ पे हम कोट्स में कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे क्योंकि टेक्सुअल डेटा है, ठीक है। कंडीशन के लिए क्या लगाएंगे, वेयर ई आई डी इज इक्वल टू किसकी है, फोर की, लेकिन यहाँ लगाना है कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पे हमारी क्वेरी खत्म हुई, यहाँ लिखना है हमने डॉट फॉर्मेट, और यहाँ पे हमने दोनों वैल्यूज दे देनी है, पहली ई नेम की, ई नेम क्या है हमारा, सपोज ई नेम हमने देना है यहाँ पे प्रिया, ठीक है। और इसके बाद हमने यहाँ पे क्या देना है, जो हमारी ई आई डी है, ई आई डी कौन सी थी, फोर थी, तो आपने इस तरह से इसको प्रोवाइड करा देना है, ठीक है। अब ये खत्म हो गया, अब यहाँ पे जो एग्जीक्यूट फंक्शन का ब्रैकेट था वो हमने क्लोज कर दिया, और यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्टेड के प्लेस पे आप क्या लिखोगे, रिकॉर्ड अपडेटेड, ठीक है, अपडेटेड, ठीक है। यहाँ से हमने इसको रन किया, इसमें भी कमिट फंक्शन आपका इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कई बार वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं कराता। यहाँ गया रिकॉर्ड अपडेटेड, अब यहाँ पे जाके आपको चेक करना पड़ेगा यूजिंग द सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखो, जो फोर हमारा आईडी है उसका नेम क्या हो गया, प्रिया हो गया, जो कि पहले क्या था, इट वॉज नेहा। तो अपडेट कमांड आपने ऐसे यूज़ की। इसके बाद जो नेक्स्ट आती है आपके पास, डिलीट कमांड। डिलीट कमांड भी आपने ऐसे यूज़ करनी है जैसे कि आप माई एसक्यूएल में कैसे यूज़ करते हो, डिलीट फ्रॉम टेबल नहीं, अगर पूरा का पूरा डिलीट टेबल और उसके रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है, अगर कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है, एक या एक से ज़्यादा, तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, वेयर फील्ड नेम इज इक्वल टू दिस, कंडीशन देते हैं, डॉट फॉर्मेट उसकी वैल्यू। अब देखो इसमें हम इसको कैसे करेंगे, सिंपली आपने यहाँ पे क्या करना है, आप पाइथन में जाओगे वापस से, और पाइथन में जाने के बाद आपने यहाँ पे डिलीट कमांड लिख देनी है। सपोज मुझे ID2 की जो रिकॉर्ड है वो डिलीट कराना है, तो व्हाट आई विल राइट हियर, डिलीट फ्रॉम EMP वेयर EID इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस दे दिए, ठीक है, क्योंकि वैल्यू मुझे बाद में देनी है। और यहाँ पे हमारी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है हमारी जो हमारी क्वेरी है। फिर हमने क्या लिखा, डॉट फॉर्मेट, और सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया टू, ठीक है, तो सिंपली ये फॉर्मेट के अंदर आपने टू दे दिया। अब आप यहाँ कह दोगे रिकॉर्ड डिलीटेड, ठीक है, समझ में आया। अब हम इसको रन करेंगे, रन करके चेक करेंगे, रिकॉर्ड डिलीटेड ये शो कर रहा है, MySQL में जाके सेलेक्ट स्टेटमेंट से अब आप चेक कर सकते हो। तो पहले हमारे पास टू रिया रिकॉर्ड था, अब इसमें से वो डिलीट आपका हो चुका है। तो ऐसे हम डिलीट करते हैं यूजिंग द पैरामीटराइज क्वेरी फॉर्म, जिसमें हम न्यू मेथड का समय यूज़ कर रहे हैं, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो क्वेश्चन है वो किसी भी मेथड पे आ सकता है, ब्लैंक लाइन की फॉर्म में आ सकता है, तो आपको दोनों मेथड से करना आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी कमांड है सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड का MySQL में क्या यूज़ होता है स्टूडेंट्स, डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए इन द फॉर्म ऑफ टेबल, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर फील्ड नेम इज इक्वल टू दिस, वही वैल्यू ना देके हम कर्ली ब्रेसेस लगा रहे हैं, और डॉट फॉर्मेट करके फंक्शन के अंदर हम उसकी वैल्यू दे रहे हैं। अब जब भी हम सेलेक्ट स्टेटमेंट देते हैं और उसको रन करते हैं, तो डायरेक्टली हमें डेटा शो नहीं करेगा, इसके लिए हमें कुछ फंक्शंस का यूज़ करना पड़ेगा, विच इज़ फेच ऑल, फेच वन और फेच मैनी। फेच ऑल जैसे कि नाम से पता लग रहा है ये सारे रिकॉर्ड्स को फेच करता है, फेच वन नाम से पता लग रहा है ये वन रिकॉर्ड को फेच करेगा, और जो फेच मैनी है इसमें आप कोई भी नंबर दे देते हो, ठीक है, वन या वन से ज़्यादा, ये उतने रिकॉर्ड्स फेच करेगा। और अगर आप यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं देते हो तो उस केस में वो पहला रिकॉर्ड आपको दे देगा, ठीक है। और रो काउंट जो है वो आपके कर्सर इंस्टांस की एक प्रॉपर्टी है जो ये काउंट करके देती है कि अभी तक कोई भी फेच फंक्शन नहीं, चाहे वो फेच वन हो, चाहे फेच ऑल हो, चाहे फेच मैनी हो, उन्होंने कितनी रोज को रिट्रीव किया है, ठीक है। सो उसके साथ हम सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। अब देखो इसको आपको कैसे यूज़ करना है, यहाँ पे आपके पास आपका प्रोग्राम है, सपोज मेरे पास, मुझे यहाँ पे सारा का सारा डेटा शो करना है अपनी टेबल का, तो मेरे पास कौन सी टेबल है, एम्प्लॉय टेबल है, तो आई विल राइट हियर सेलेक्ट, क्या है हमारे पास टेबल का नाम है एम्प्लॉय, लेकिन सारा डेटा चाहिए, स्टार फ्रॉम EMP, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट को रिटर्न करूँ, यानी कि सॉरी रन करूँ, हमने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट दे दी, लेट सी द डेटा इन द टेबल, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आप आगे ऊपर दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है, आपने ये कमांड दे दी, कॉन डॉट कमिट की अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, आपने ये दे दी। अब अगर आप इसे रन करो तो यहाँ पे सिर्फ, सॉरी, इसको यहाँ पे क्लोज करना है पहले, और अगर आप इसे यहाँ पे रन करते हैं तो आपके सामने सिर्फ ये आ रहा है, लेट सी द डेटा इन द टेबल, लेकिन जो टेबल का डेटा है वो आपके पास शो होके नहीं आ रहा, जो कि आपके पास यहाँ पे वन राहुल से लेके फाइव नीता तक है, नहीं हो रहा। तो इसके लिए वी नीड टू हैव द फेच ऑल, फेच वन और फेच मैनी फंक्शन।
जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, ए इज इक्वल टू कर्सर इंस्टांस के साथ करना है डॉट फेच वन, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे कह दिया प्रिंट ए, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, देखो अब इसने कहा लेट सी द डेटा इन द टेबल। अब इसने क्या रिटर्न किया, वन राहुल, क्योंकि फेच वन फंक्शन क्या करता है, पहले रिकॉर्ड को रिटर्न करेगा, मतलब एक रिकॉर्ड को रिटर्न करेगा। इसने कहा वन राहुल। अब आप देखो माई एसक्यूएल में पहला रिकॉर्ड मेरा क्या है, वन राहुल, और डेटा मेरा किस फॉर्म में, रिजल्ट की फॉर्म में आ रहा है, एक टपल की फॉर्म में, ब्रैकेट्स हैं इसमें दिस वे, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पे एक बार और फेच फंक्शन का यूज़ किया, सपोज मैंने यहाँ पे दोबारा से इसको कॉपी किया और यहाँ पे हमने इसको दोबारा से क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब हम दोबारा से क्या करते हैं, इसको रन करते हैं, तो क्या ये हमें वन राहुल को दोबारा देगा। अब इस केस में जो पहला फेच वन फंक्शन था उसने ये दिया, लेकिन जब आपने दोबारा फेच वन फंक्शन लगाया ना, तो उसने हमें नेक्स्ट रिकॉर्ड से दिया, ठीक है। अब अगर आप दोबारा इसमें फेच वन फंक्शन लगाओगे तो ये आपको थर्ड रिकॉर्ड देगा। जैसे कि मैं यहाँ से अगर कॉपी कर दूँ, कॉपी एंड यहाँ से किया पेस्ट, और दोबारा से इसको हमने रन कर दिया, तो अब देखो ऑलरेडी मेरे पास वन राहुल थ्री नेहा है, और फेच वन फंक्शन लगाया तो वो एक रिकॉर्ड देगा, लेकिन वहाँ से जो पहले रिकॉर्ड दे चुका है उसे नेक्स्ट रिकॉर्ड से स्टार्ट करेगा, ठीक है। दैट इज़ द यूज़ ऑफ द फेच वन फंक्शन। अब हम यहाँ पे करते हैं फेच मैनी फंक्शन का यूज़। सपोज मैंने यहाँ पे कह दिया कि मुझे चाहिए फेच मैनी, और मैंने यहाँ पे कह दिया, सपोज मैंने कोई भी नंबर पास नहीं किया, कोई भी वैल्यू पास नहीं की, तो ये हमें क्या देगा, बिल्कुल पहला रिकॉर्ड दे देगा, वन राहुल। एंड जो फेच मैनी फंक्शन है उसके अंदर आपका डेटा लिस्ट ऑफ टपल्स की फॉर्म में आएगा, जैसे अंदर टपल है और बाहर लिस्ट है। अब देखो सपोज मैंने यहाँ पे कह दिया थ्री, तो पहले थ्री रिकॉर्ड्स को ये फेच करेगा, तो इसने रन किया, देखो इसमें पहले तीन रिकॉर्ड आ गए, वन राहुल, थ्री नेहा, फोर प्रिया, सारे टपल्स हैं और सारे टपल्स किस में हैं, लिस्ट में। तो फेच मैनी फंक्शन का जो आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है, लिस्ट ऑफ टपल्स की फॉर्म में। अब आप यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ पे भी वन राहुल, थ्री नेहा और फोर प्रिया, यही रिकॉर्ड है और यही आपके सामने आ चुका है, ठीक है, इस तरह से इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ टपल्स। और तीसरा हमारा फंक्शन होता है फेच ऑल फंक्शन। फेच मैनी में सिर्फ आर्गुमेंट की रिक्वायरमेंट है, फेच ऑल और फेच वन में रिक्वायर्ड नहीं है, तो फेच ऑल आपके सारे रिकॉर्ड्स को ले लेगा। तो इफ़ आई रन इट लाइक दिस, तो यहाँ पे देखो आपके सारे रिकॉर्ड्स आ गए, चार रिकॉर्ड थे वो आ गए किस फॉर्म में, लिस्ट ऑफ टपल्स की फॉर्म में। फेच मैनी एंड फेच ऑल आपको लिस्ट ऑफ टपल्स की फॉर्म में डेटा देता है, और फेच वन सिर्फ एक टपल की फॉर्म में आपको डेटा को देख, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज डन, आपने इसको प्रिंट करा दिया, जब भी सेलेक्ट स्टेटमेंट आप यूज करोगे वहां पे आपने फेच ऑल, फेच वन और फेच मैनी फंक्शन लगाना है। अब आपने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, सपोज अब मुझे काउंट करना है कि कितनी रोज प्रिंट हो चुकी है, कितना डेटा एक्सट्रैक्ट हो चुका है, तो मैंने कहा प्रिंट कर्सर डॉट रो काउंट, कुछ यहाँ पे लिखवा भी सकते हो कि टोटल रोज रिट्रीव जो है वो इतनी है। सपोज मैं यहाँ पे इतना रन करूँ, और रन करने के बाद हम चेक करें तो ये तो हमारा आया है फेच ऑल फंक्शन से, इसके नीचे फोर आया, ये दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो, दिस इज थर्ड रो एंड दिस इज द फोर्थ रो, तो ये हमारा क्या हो चुका है, फोर रोज हमारी रिट्रीव हो चुकी है। अंडरस्टूड दिस थिंग? तो इस तरह से इसका हमें यूज करना है। आगे देखते हैं, हमारे पास ये रो काउंट हो गया, अब हमारे पास इसके बेसिस पे कुछ पी वाई क्यूज है। अब पी वाई क्यूज में बेसिकली हमारे पास क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग टेबल एसक्यूएल टेबल मेंबर, ठीक है। अब टेबल का नाम है हमारे पास मेंबर, मेंबर आईडी, नेम और एक्टिविटी, तीन कॉलम्स है, ठीक है। अज्यूम दैट द रिक्वायर्ड लाइब्रेरी फॉर एस्टैब्लिशिंग द कनेक्शन बिटवीन पाइथन एंड माई एसक्यूएल इज ऑलरेडी इम्पोर्टेड। ऑल्सो अज्यूम दैट डी बी इज द नेम ऑफ द डेटाबेस, डेटाबेस का क्या नाम है, डी बी, एंड टेबल का नाम है मेंबर, डी बी इज द नेम ऑफ द डेटाबेस कनेक्शन फॉर द टेबल मेंबर स्टोर्ड इन द डेटाबेस क्लब, ठीक है। सारा जो इम्पोर्ट वगैरह स्टेटमेंट्स है इसमें ऑलरेडी है, अज्यूम करके चलना है। प्रिडिक्ट द आउटपुट, ये क्वेश्चन है आउटपुट का, तो देखो माई कर इक्वल्स टू डी बी डॉट कर्सर, माई कर क्या है, कर्सर इंस्टांस है, और डी बी क्या है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट है और कर्सर फंक्शन है। माई कर डॉट एग्जीक्यूट यूज क्लब, हम इस डेटाबेस का यूज करें जिसका नाम है क्लब, ये हमारा डेटाबेस है, ठीक है। इसके अंदर हमने एक क्वेरी दिया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेंबर वेयर एक्टिविटी इज इक्वल टू जिम, तो मेंबर टेबल में जिम एक्टिविटी कहाँ कहाँ पे है, वन टू एंड थ्री, स्टार मतलब इसके सारे कॉलम्स चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कौन कौन सा आ जाएगा, एक तो ये रिकॉर्ड आ गया, ये रिकॉर्ड आ गया, और एक हमारा ये वाला रिकॉर्ड आ गया, 1001, 1002 और 1004 वाला पूरा पूरा रिकॉर्ड आ गया, पूरा पूरा रिकॉर्ड मतलब उसकी आईडी भी, नेम भी और एक्टिविटी भी। अब इसने कहा कि आर इक्वल्स टू माई कर्सर डॉट फेच वन, और अभी हमने फेच वन फंक्शन पढ़ा, वो क्या करेगा, एक रो को लेके चलेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा, तो आर के अंदर क्या जाएगा, पहली रो जाएगी,
M1001 अमीना और जिम, ये चली गई। ठीक है, अब इसने कहा फॉर आई इन रेंज टू, फोर लूप चला कितनी वैल्यू तक, दो तक, तो रेंज के अंदर अगर टू है तो एक बार जीरो के लिए चलेगा, एक बार वन के लिए चलेगा, दो बार चलेगा। फिर इसने कहा आर इक्वल्स टू माई कर्सर डॉट फेच वन, ऑलरेडी फेच वन फंक्शन पहले यूज हो चुका है जिसमें ये वैल्यू जा चुकी है, M1001 मेंबर आई डी का नेम और उसकी एक्टिविटी, लेकिन जब हम दोबारा फेच वन फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो अब वो ये वाली वैल्यू लेगा M1002 प्रतीक और जिम, और जीरो के लिए जब वो जीरो के लिए चलेगा तो ये लेगा, और वन के लिए जब दोबारा चलेगा तो M1004 राकेश और जिम, ये वाली वो वैल्यूज लेगा। अब प्रिंट क्या कराना है, आर ऑफ जीरो कोमा आर ऑफ वन सेपरेटर इज इक्वल टू हैश। ठीक है, अब इसके अंदर मेरा डेटा कैसे गया था, ऐसे गया था, ये था हमारा M1001 और फिर हमारे पास यहाँ पे था अमीना और फिर हमारे पास यहाँ पे था जिम। ठीक है, इस तरह से हमारे पास गया था। अब जब नेक्स्ट टाइम फेच वन फंक्शन आया तो आर के अंदर किस तरह से आया, एक बार हमारे पास वैल्यू आई, ये हमारे बने लिस्ट ऑफ टपल्स। अच्छा, फेच वन फंक्शन ने तो सिर्फ किस तरह से लिया, सिर्फ टपल की फॉर्म में इसको ले लिया इस तरह से। अब टपल की फॉर्म में लिया तो पहली बार क्या वैल्यू जाएगी हमारे पास, मतलब पहली ले चुका है तो ये वाली वैल्यू जाएगी M1002, और फिर यहाँ से नाम गया प्रतीक और फिर यहाँ से नाम गया जिम। ठीक है, इस तरह से। तो इसमें दो बार लेनी है तो फिर नेक्स्ट वाली वैल्यू जाएगी जिसमें आपकी जो आईडी है M1004 है, नेम राकेश है और आपकी जो एक्टिविटी है वो जिम। ठीक है, तो आर ऑफ जीरो हमारा क्या है, जीरो पोजीशन पे मेरे पास ये है दिस थिंग, और वन पोजीशन पे मेरे पास क्या है, ये पूरा का पूरा है, और सेपरेटर क्या है, हैश है। तो आपके पास जो आउटपुट आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, आर ऑफ जीरो मतलब कि ये मेरा पूरा का पूरा टपल। तो आपने यहाँ पे आंसर इस तरह से देना है M1002, देन आपका यहाँ पे आया प्रतीक, देन आपका यहाँ पे आया जिम, सेपरेटेड बाय, किससे सेपरेट किया हुआ है, हैश से। तो यहाँ पे हैश आ गया और यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू आ गई विच इज योर M1004 राकेश एंड जिम। इस तरह से आपका आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जीरो पोजीशन पे है और ये पूरा का पूरा आपका वन पोजीशन पे है। ठीक है, इस तरह से ये आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द कोड गिवन बिलो डिलीट्स द रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉय विच कंटेन्स द फॉलोइंग रिकॉर्ड स्ट्रक्चर। टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय, और इसके अंदर है ई कोड, ई नेम, सैलरी, सिटी। ई कोड और ई नेम स्ट्रिंग वैल्यूज हैं, सैलरी इंटीजर वैल्यू, सिटी स्ट्रिंग वैल्यू, यूजर नेम इज रूट, पासवर्ड इज रूट, टेबल का जो डेटाबेस है उसका नाम है हमारा एम्प्लॉय, एंड डिटेल्स आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल। तो राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टू कंप्लीट द कोड, ये स्टेटमेंट वन दी हुई है, टू दी हुई है और थ्री दी हुई है, इसमें फिल कर रहे हैं। स्टेटमेंट वन टू इम्पोर्ट द डिजायर्ड लाइब्रेरी, तो कौन सी होती है, माई एस क्यूएल डॉट कनेक्टर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माई एस क्यूएल डॉट कनेक्टर। अब यहाँ पे इन्होंने एस करके लिखा हुआ है माई एस क्यूएल, तो ये इन्होंने एक अलायस नेम दे दिया इसलिए इन्होंने नेक्स्ट लाइन में माई एस क्यूएल डायरेक्ट लिखा हुआ है, माई एस क्यूएल डॉट कनेक्टर नहीं लिखा है। ठीक है, माई डी बी हमारा क्या है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद माई कर्सर हमारा क्या है, कर्सर इंस्टांस है। अब स्टेटमेंट टू की बात करते हैं, टू एग्जीक्यूट द कमांड दैट डिलीट्स द रिकॉर्ड विद द ई कोड एज E101, क्वेरी लिखनी है और क्या करना है, डिलीट कराना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे माई कर्सर, कर्सर इंस्टांस के साथ लिखी जाती है, डॉट एग्जीक्यूट और ब्रैकेट में हम अपनी क्वेरी लिख देंगे। क्या क्वेरी है हमारी, डिलीट कराना है। तो हमने क्या लिखा, डिलीट, टेबल का नाम हमारा क्या है, फ्रॉम, यहाँ पे देखो टेबल का नाम आपको दे रखा है एम्प्लॉय। ठीक है, टेबल का नाम हमारा हो गया एम्प्लॉय, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, और ई कोड क्या है, E101, पेयर ई कोड इक्वल्स टू, ऐसे दे दो इसको न्यू मेथड की तरह, दिस डॉट फॉर्मेट और यहाँ पे दे दो 101, और ये एग्जीक्यूट फंक्शन का जो ब्रैकेट है वो क्लोज हो गया। तो ये आपने लिख दिया। स्टेटमेंट थ्री कह रही है टू डिलीट द रिकॉर्ड परमानेंटली फ्रॉम द डेटाबेस। जब भी हम इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं, और अगर हम ये चाहें कि जो भी हमने चेंजेस किए हैं वो हमारे डेटाबेस के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएं, तो उसके लिए वी मेक यूज ऑफ विच फंक्शन स्टूडेंट्स, कमिट फंक्शन। तो यहाँ पे स्टेटमेंट थ्री में आप क्या लिखोगे, आपके कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है माई डी बी, माई डी बी, और यहाँ लिखोगे आप डॉट कमिट,
ठीक है, तो ये आपकी स्टेटमेंट 3 हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास है द टेबल बुक शॉप इन माई एसक्यूएल कंटेन्स द फॉलोइंग एट्रीब्यूट। टेबल का नाम क्या है? बुक शॉप। इसके एट्रीब्यूट्स हैं बी कोड, बी नेम, क्वांटिटी, प्राइस। नाउ कनेक्टिविटी ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, यूजर नेम शॉप, पासवर्ड बुक। टेबल जिस डेटाबेस में है उसका नाम है बी स्टोर, दैट इज बुक स्टोर। अब फर्स्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री, तीन है इसके अंदर। दिस इज स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3। स्टेटमेंट 1 कह रही है टू फॉर्म द कर्सर ऑब्जेक्ट, कर्सर ऑब्जेक्ट बनाना है। तो देखो यहाँ पे क्या किया, माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर पैकेज को इम्पोर्ट किया, कनेक्ट फंक्शन लगाया, वैल्यूज दे दी। अब कर्सर इंस्टांस को क्रिएट करना है, तो माई कर्सर इज इक्वल टू कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है हमारा माई डीबी। तो माई डीबी डॉट कर्सर फंक्शन हो गया। तो ये क्या करता है, कर्सर ऑब्जेक्ट को फॉर्म करता है। ठीक है, फिर है टू एग्जीक्यूट द क्वेरी दैट अपडेट्स द क्वांटिटी टू 20 ऑफ द रिकॉर्ड्स हुज बी कोड इज 105। इसके अंदर हमें क्या करना है, क्वेरी लिखनी है जिसमें अपडेशन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा अपडेट बुक शॉप सेट बी कोड इक्वल्स टू 105, ये इन्होंने लिखा हुआ है। अच्छा, अपडेट बुक शॉप सेट क्वांटिटी इज इक्वल टू 20 वेयर बी कोड इज इक्वल टू 105, ये क्वेरी लिखी हुई है, इसे एग्जीक्यूट कराना है। तो क्वेरी एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या लिखते हैं, कर्सर इंस्टांस का नाम जैसे कि यहाँ है माई कर्सर डॉट, फंक्शन का नाम क्या है एग्जीक्यूट फंक्शन, और ये क्वेरी कौन से वेरिएबल में जा रही है, क्यू आर वाई में जा रही है। चाहते तो पूरी क्वेरी हम इसके अंदर भी लिख सकते थे, लेकिन वेरिएबल में डाला है तो सिर्फ उस वेरिएबल का नाम लिखना है बिना कोट्स के। ठीक है, एग्जीक्यूट हो गई क्वेरी हमारी। फिर स्टेटमेंट 3 है टू मेक द चेंजेस परमानेंट, जब भी चेंजेस परमानेंट करने हो तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट, कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम है माई डी बी डॉट, आप यहाँ पे क्या कर दोगे कमिट, ताकि जो चेंजेस आपने इसमें किए वो आपके माई एसक्यूएल में भी हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द कोड गिवन बिलो रीड्स द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉय। टेबल का नाम है एम्प्लॉय एंड डिस्प्लेज ओनली दोज रिकॉर्ड्स हु हैव एम्प्लॉय कमिंग फ्रॉम सिटी दिल्ली, सिर्फ दिल्ली से आने वाले एम्प्लॉयज का जो रिकॉर्ड है वो डिस्प्ले। क्या क्या हमारे पास है, ई कोड, ई नेम, सैलरी, सिटी। ठीक है, यूजर नेम दे रखा है, पासवर्ड दे रखा है, टेबल डेटा कौन से डेटाबेस में है, ई एम पी में है। टेबल का नाम एम्प्लॉय है और डेटाबेस का नाम ई एम पी है। अब इसमें भी तीन स्टेटमेंट है फिल करनी है। स्टेटमेंट 1 टू इम्पोर्ट द डिजायर्ड लाइब्रेरी, इट इज़ वेरी इजी। तो सिंपली आपने क्या लिखना है, माई एस क्यू एल डॉट कनेक्टर, स्पेलिंग वगैरह आप देख लेना, सही लिखना ठीक है पेपर में। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, स्टेटमेंट 2 में एग्जीक्यूट द क्वेरी दैट फेचेज द रिकॉर्ड्स ऑफ द एम्प्लॉयज कमिंग फ्रॉम सिटी दिल्ली। तो क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना है, तो यहाँ पे वो पूरी की पूरी क्वेरी हमें लिखनी पड़ेगी। तो कैसे लिखेंगे हम, कैसे लिखते हैं, माई कर्सर जो भी हमारा कर्सर इंस्टांस है डॉट एग्जीक्यूट डॉट एग्जीक्यूट, और यहाँ पे आपको क्या लेना है, डिस्प्ले कराना है। तो आप क्या क्वेरी दोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय जिसकी सिटी क्या है दिल्ली है, वेयर सिटी इक्वल्स टू, इसको हम इस तरह से दे देते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे अपनी क्वेरी को क्लोज कर दिया, डॉट फॉर्मेट, और यहाँ पे हमने क्या दे दिया, सिटी हमारी क्या है दिल्ली है। डायरेक्ट भी लिख सकते हो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने इसको ऐसे दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपने लिखना है, ये हो गया। उसके बाद आपका है टू रीड द कंप्लीट डेटा ऑफ द क्वेरी इन टू द ऑब्जेक्ट नेम डिटेल्स फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉय। अब आपने यहाँ क्वेरी तो एग्जीक्यूट करा ली, लेकिन इसका जो डेटा आएगा वो रीड कराना है। तो आपने एक डिटेल्स नाम का वेरिएबल लिया, अब इसमें आप क्या करेंगे, कर्सर इंस्टांस लिखेंगे माई कर्सर, और यहाँ पे आपने सारा डेटा लेना है। ठीक है, डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फेच ऑल, सारा का सारा लेना है तो फेच ऑल फंक्शन देना है, एक लेना है तो फेच वन, और नंबर ऑफ वैल्यूज लेनी है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स लेनी है तो फेच मैनी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास माई कर्सर डॉट फेच ऑल। तो एम्प्लॉय टेबल में जिसकी भी सिटी दिल्ली है, फैच ऑल में देखो ये हुआ, ऊपर हम एग्जीक्यूट में दे चुके हैं कि सिटी दिल्ली है, तो वो वाले सारे रिकॉर्ड्स आपको दिखाएगा। फिर इसने कहा फॉर आई इन डिटेल्स प्रिंट आई, तो उस केस में क्या होगा, सपोज मेरे पास चार रिकॉर्ड आए, एक एक करके हर लाइन में आपके चार रिकॉर्ड, एक एक करके एक एक रिकॉर्ड आपका हर लाइन में आ जाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट है फैच वन मैथड फैच इज ओनली वन रो इन रिजल्ट सेट एंड रिटर्न अ डैश। जो फेच वन मेथड है वो एक एक रो को लेता है और क्या रिटर्न करके देता है, टप्पल, लिस्ट, डिक्शनरी या स्ट्रिंग, वो हमेशा टप्पल को रिटर्न करके देता है, जैसे आपने भी एग्जाम्पल में देखा था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन द टेबल बुक शॉप इन माई एसक्यूएल कंटेन्स द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स।
बी कोड बी नेम क्वांटिटी प्राइस। अब हमें कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करनी है, यूजर नेम शॉप, पासवर्ड बुक, टेबल जिस बुक आपके डेटाबेस में है दैट इज़ बी स्टोर। अगेन इसमें स्टेटमेंट 1, 2 और 3 हैं। स्टेटमेंट 1 क्या करेगी, कर्सर ऑब्जेक्ट बनाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम जो कि माई डी बी है डॉट, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया कर्सर, ये कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्टेटमेंट 2, टू राइट द क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले कराने के लिए क्या क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है हमारा, टेबल का नाम है बुक शॉप, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक शॉप, डबल कोट से स्टार्ट हुआ था, डबल कोट से इसको एंड करेंगे, ठीक है। फिर स्टेटमेंट 3 में टू रीड द कंप्लीट रिजल्ट ऑफ द क्वेरी इनटू द ऑब्जेक्ट नेम बी डिटेल्स फ्रॉम द टेबल बुक शॉप। अब सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ आपको पता है हमें फेच ऑल, फेच वन या फेच मैनी यूज करना ही पड़ता है, तो अब हमने एक वेरिएबल ले लिया बी डिटेल्स और हमें सारे रिकॉर्ड्स इसमें चाहिए, तो हम फेच ऑल फंक्शन का यूज़ करेंगे, किसके साथ, कर्सर इंस्टांस के साथ। तो हमने यहाँ लिखा माई कर्सर डॉट, यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ मैं फेच ऑल और ये फंक्शन के पैरेंथेसिस लगा दिए। अब ये वन बाय वन इसको प्रिंट करके दिखा देगा यूजिंग द फोर, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी है, इस तरह के मेनली आते हैं या आउटपुट की फॉर्म में आपके आ जाते हैं। देन नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग टेबल एम्प्लॉय ईआईडी नेम डिपार्टमेंट, इस तरह से 3 कॉलम है। प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, सबसे पहले कर्सर इंस्टांस बनाया, क्वेरी एग्जीक्यूट करी, यूज कंपनी, कंपनी जो है वो हमारे डेटाबेस का नाम है दिस वन, ठीक है। फिर हमने कहा सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, इस डेटाबेस के अंदर एम्प्लॉय नाम की टेबल बनी हुई है तो हमें वो सारा डेटा देना है जब तक ये लिखा है सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, सारा डेटा मतलब एम्प्लॉय की आईडी, उसका नेम और उसका डिपार्टमेंट। लेकिन यहाँ लगी हुई है कंडीशन वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू एसी, तो डिपार्टमेंट जो एसी है वो ये वाला है, एक ये वाला है और एक आपका ये वाला है, तो 3 रिकॉर्ड्स हो गए हमारे पास। और फिर इसने कहा फॉर आई इन रेंज 2, ठीक है, 2 का मतलब एक बार ही आई की 0 वैल्यू के लिए चलेगा, एक बार 1 के लिए चलेगा, रिकॉर्ड्स हमारे पास कितने हैं, 3 है। फिर इसने कहा आर इज इक्वल टू कर्सर डॉट फेच 1, तो जब फेच 1 फंक्शन लगाए तो वो पहला रिकॉर्ड ही लेगा, H1001 अवनीत एंड आपका एसी इज अ डिपार्टमेंट, ठीक है। फिर उसने कहा प्रिंट आर ऑफ 0, तो पहला जब फेच 1 लेता है वो टपल की फॉर्म में है तो आपके पास आया H1001 और फिर यहाँ से हमारे पास आया अवनीत और फिर वहाँ से हमारे पास आया एसी, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो लोग, ये जो है आपका 0 पोजिशन पे है, ये आर ऑफ 0 हो गया, और नेक्स्ट वाला जो है आपका वो 1 पोजिशन पे है जिसमें एसी है, तो वो आपका कौन सा है, A1003 अमीना एंड एसी, ठीक है। तो ये आपका कहाँ आ जाएगा, सेपरेटर इसमें हैश है तो सेपरेटर करके यहाँ पे आ जाएगा A1003, ठीक है। इसके बाद आपका आया अमीना, नाम आ गया यहाँ पे और इसका डिपार्टमेंट क्या है आपका एसी है, ठीक है। इस तरह से आपने करना है, ठीक है। टपल है, टपल के बीच में हैश का साइन है एज अ सेपरेटर, 0 और 1 पोजीशन की वैल्यू डालनी है, ये 0 पोजीशन पे होगी, ये आपकी 1 पोजीशन पे होगी, सारी की सारी वैल्यूज, ठीक है, समझ में आया। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फॉर द एसक्यूएल टेबल नेम्ड पैसेंजर्स, टेबल का नाम पैसेंजर्स है, कॉलम्स गिवन है टी नंबर नेम स्टार्ट और एंड, कर्सर नेम्ड कर, कर्सर इंस्टांस का नाम है कर, कनेक्शन करना है होस्ट का जिसमें डेटाबेस का नाम है ट्रैवल, राइट द आउटपुट, इसमें भी आउटपुट निकालना है हमें, कर डॉट एग्जीक्यूट यूज ट्रैवल, ट्रैवल डेटाबेस को यूज किया, क्वेरी क्या लिखी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पैसेंजर्स, यानी कि ये जो पैसेंजर्स नाम का टेबल है ये सारा का सारा है, ठीक है। फिर इसने कहा रेक्स इक्वल्स टू कर्सर डॉट फेच ऑल, तो सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे हमारे पास, दिस दिस एंड दिस, ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और फिर इसने कहा फॉर आर इन रेक्स, सारे आ गए, T1 वाला, T2 वाला भी, T3 वाला भी, फॉर आर इन रेक्स प्रिंट आर ऑफ 1। अब देखो जब ये रिकॉर्ड आए तो किस फॉर्म में आएंगे, लिस्ट ऑफ टपल्स की फॉर्म में आएंगे क्योंकि यहाँ लगा हुआ है फेच ऑल फंक्शन, ये हमारी पूरी लिस्ट है, इसमें हमारा आया पहला रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा रिकॉर्ड, यानी कि T1 वाला रिकॉर्ड, T2 वाला और T3 वाला रिकॉर्ड। तो इसके अंडर अगर पोजिशन देखो तो दिस इज 0 पोजिशन, दिस इज 1 पोजिशन एंड दिस इज पोजिशन नंबर 2, और इसने कहा प्रिंट आर ऑफ 1, ये सारे किस में स्टोर हो रहे हैं, फॉर आर इन रेक्स में जो है आपका आर लिख रहा है और ये सारे हमारे किस में है, रेक्स नाम की लिस्ट में स्टोर हो रहे हैं। तो प्रिंट आर ऑफ 1 का मतलब हमें सेकेंड वाला जो रिकॉर्ड है वो पूरा का पूरा डिस्प्ले कराना है, तो T2 निशान जैन डेली कोलकाता, कोलकाता, ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है दैट विल बी शोन इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ टपल, ठीक है, इस तरह से इट विल बी शोन, ठीक है।
तो दिस वर ऑल अबाउट द क्वेश्चन ऑफ इंटरफेस पाइथन विद माई एसक्यूएल स्टूडेंट्स। इसमें बेसिकली आपके या तो आउटपुट के क्वेश्चन है या ब्लैंक लाइन के क्वेश्चन है। अगर आपको उसका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया ना, तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना, वो आप इजिली बहुत कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स दीज आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच।